पंजाब च लगे करफ्यू कारण रोज़ कमा के खाने वाले लोगों नूं भारी मुसीबतों का सामना करना पै रहा है। अजिहे औखे समय च हुण पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर ने अनोखी मिसाल कायम की है। जलालाबाद दे विच बतौर इंस्पैक्टर ड्यूटी निभाउण वाले गुरप्रीत सिंह ने इलाके के 6 पिंडां नूं गोद लिया है। इन्हां पिंडां दे गरीब परिवारां तक अपनी तनखाह दे विचों राशन देण दी जिम्मेवारी चुकी है। जो अज पूरे वर्ल्ड दे विच जो अपने भारत देश दे विच भी जो करोना की नामराद बीमारी जो फैली हुई है उहदे करके जो पंजाब गवर्नमेंट वालों और भारत सरकार वालों जो लॉकडाउन लाया गया है उसके मद्देनज़र रखते हुए साढ़े जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग है उन्होंने वास्ते साड़ी संस्था मेरे फादर संत बाबा रेशम सिंह जी और मैं बतौर पंजाब पुलिस विच इंस्पैक्टर जो बठिंडा जिला भी तैनात हाँ असी अपने वालों ये अपने इलाके के 6 पिंडां नूं अडोप्ट किया जिन्हां दे मेहनत मजदूरी करने वाले हर घर घर असी उन्हां दे खाण पीन का राशन पैकेट बना के जिन्ना भी मतलब साड़ी संस्था वालों होया असी उन्हां नूं पहुँचावांगे और इस तरह का कोई ना होवे भी कोई भी जिहड़ा है गरीब जां मजदूरी करने वाला आदमी भुखा सौवे और भुखा रह सके। सो असी परमात्मा अगे अरदास करते हैं भी जो ये नामराद बीमारी हैगी है जो वर्ल्ड लेवल पर जां इह दुनिया लैवल पर फैली हुई है इस तों सानूं जल्दी छुटकारा निजाम मिले और असी जिहड़ा हैगा साडे लोग जिहड़े हैगे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो वड्डियां वड्डियां संस्थावां दे जां जो भी समाजिक लोग है वह अपना उस तरह खुशहाल जिंदगी जीउण और इस दे नाल ही जो असी कामना करते हैं जो पंजाब पुलिस है दिन रात एक मेहनत करके जो बेसहारा लोग है जो गरीब लोग है उन्होंने खाना मुहैया करवा रही है उन्होंने जान माल की जो राखी है वो भी असी वचनबद्ध हाँ। सो इस तरह मेरे जिले के SSP साहब भी जो है दिन रात मेहनत करके वो अपने हर समय तो समय जो गरीबों लोड़वंद लोगों की समान की जरूरत वह भी भेजते हैं तो सो असी इसे दे मद्देनज़र रखते हुए साढ़े इलाके मैं अपना मेरा पिंड जो चकपखी है असी नेड़े नेड़े जो 6 पिंड उन्होंने अडोप्ट किया हो गोद लिया होया असी उत्थे हर घर जो गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग है उन्होंने असी सुक्का राशन जिन्ना भी है वो उन्होंने घर पहुँचावे जो उन्होंने 10-10, 15-15 दिन का जो अपना वो खाना बना सकन जेकर उस तो वध भी लोड़ पैंदी है तो असी वह भी उन्होंने जरूर पहुँचावे ये मैडिकल सहायता भी असी उन्होंने देने के वचनबद्ध हाँ होर जो इस नामराद बीमारी दियाँ जो सैनेटाइजर है जो होर चीज़ा जो लोड़वंद है उन्होंने भी असी उन्होंने घर तक पहुँचावे और नाल ही असी सारे लोगों को बेनती करते हैं कि अपना जो भारत सरकार वालों पंजाब गवर्नमेंट वालों जो प्रशासन वालों लॉकडाउन किया गया तुसी अपने घर के अंदर ही रह के अपने घर के अंदर रह के तुसी अपने बच्चों की अपने बजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखो क्योंकि इस बीमारी तो असी जे चेन तोड़ांगे तो सानू इस बीमारी तो छुटकारा मिलेगा और इस दे नाल ही साढ़े मेरे फादर साहब वालों जो महापुरश है जो संत बाबा रेशम सिंह जी उन्होंने वालों जो हैगा एक हर डे हर रोज़ 1000 से 1500 बंदे का लंगर बना के जो गरीब झुग्गियां झोंपड़ियां वाले है जां जो लोग गरीब लोग आ उन्हां तक भी पहुँचाया जाता है और इस दे नाल नाल जो आवारा पशु है जां होर कोई गऊशाला जां होर भी जिथे किसी हरे चारे की लोड़ वह भी भेजी जाती है। सो इस दे नाल ही असी अपने इस इलाके के जो पिंडां नूं अडोप्ट किया है असी उन्हां नूं हर खाना पहुँचाने की हर संभव कोशिश करांगे और उन्होंने वध तो वध सहायता करांगे क्योंकि मेरे इलाके और मेरे इस समाज का जो भी कोई गरीब है जो कि मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है वह भुखा ना सौ सके। सो परमात्मा अगे कामना करते हैं भी सानू इस बीमारी तो जल्दी छुटकारा मिले और असी उस तरह अपनी खुशहाल जिंदगी जीए। धन्यवाद। इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह का कहना है कि उसका परिवार हमेशा ही समाज सेवा लिए अगे रहा है इसलिए इस औखी घड़ी के हूँ वो गरीब लोगों की मदद लिए अगे आए हैं। पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर वालों अजिही मिसाल कायम करने ते पूरे इलाके दे विच चर्चे हो रहे हैं। फाजिलका तो सुनील लाखपाल की रिपोर्ट ग्लोबल पंजाब TV। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब TV नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।